अमेठी में विवादित बयान पर सपा विधायक ने जताई नाराजगी। बयान देने वाला ना तो समाजवादी है और ना सनातनी। अमरोहा में पूर्व सांसद चौधरी कंवर ने विपक्ष पर साधा निशाना। यूपी में गुंडाराज हुआ समाप्त। रायबरेली में तीन तलाक का एक और मामला आया सामने। शादी करने के 11 साल बाद दिया तलाक। संबल में जल भराव और गंदगी से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। कानपुर में सोलंकी के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई। 25 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अमेठी में रामचरितमानस के विवादित बयान पर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने नाराजगी जताई और कहा कि रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाला ना तो समाजवादी हो सकता है और ना ही सनातनी। राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति ही असली समाजवादी हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया के राम मेला का प्रस्ताव रखा था। बिना कुछ सोचे समझे गलत बयानबाजी करना सनातन धर्म के गलत बात है। हम अगर बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो यह अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनसेवा की बात करते हैं तो उस जनसेवा में हमारी टिपकी गई टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है। हम नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अमरोहा में लोकसभा के पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तनवर ने उत्तर प्रदेश में निवेश कुंभ को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि मोदी योगी के नेतृत्व में देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है और लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज समाप्त हो गया है। यही वजह है कि आज प्रदेश में व्यापारी निडर होकर निवेश कर रहे हैं। नमस्कार, मेरे साथ अमरोहा जनपद के अमरोहा लोकसभा के निवर्तमान सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और समाज सेवा के लिए जो है एक बड़ा नाम है। और अमरोहा ज़िले में इनसे ज़्यादा बड़ा समाज सेवा के क्षेत्र में काम किसी ने नहीं किया है। बात करेंगे इनसे जो अभी उत्तर प्रदेश में जो निवेशक कुंभ लगा है, ख़ासतौर से अमरोहा ज़िले में भी एक बड़ी बाढ़ सी आई है और 5,000 से अधिक लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो इसके विषय में बात करेंगे। जी बताइए, जो निवेशक कुंभ जो उत्तर प्रदेश में लग रहा है आज नखलऊ में, नखलऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में है। और मैं चाहता हूँ, अभी मैंने जो देखा है, मैं माने योगी जी और माने मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले समाजवादी के टाइम में उद्योग बंद हो गए थे, आज वो उद्योग दोबारा से चालू हो गए। नया इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अब वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा अच्छा भविष्य होगा। यहाँ बच्चों को रोज़गार मिलेंगे, यहाँ लोगों को बिजनेस मिलेगा। तो मैं तो कहता हूँ, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, ये एक तभी हो रहा है जब योगी जी ने यहाँ शांति ला दी, यहाँ कोई झगड़े नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। तो बहुत बहुत बार बार धन्यवाद देंगे मोदी जी को। उत्तर प्रदेश का जो इतना बड़ा विकास हो रहा है, वो बहुत बड़ा विकास, बार बार उनको धन्यवाद देते हैं योगी जी को। जो लोग निवेशक जो थे पहले भाग यहाँ से पलायन कर जाते थे, अब जो दोबारा से लौट के आ रहे हैं पे जा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी फैक्ट्रियाँ मैंने देखी खुद बंद पड़ी थी, मेरे खुद अमरोहा ज़िले में बहुत फैक्ट्री बंद थी, आज वो फैक्ट्री दोबारा से चालू हो गई। तो आज लोग 6 साल के अंदर बहुत लोग वापसी आ गई, जो अपना रोजगार कर रहे थे, कोई भी फैक्ट्री थी ज़्यादातर 90% वो सब चालू हो गई। तो उसके लेकर के जो है आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है अब एक तरीके से रामराज की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, रामराज वाकई में ही रामराज है। आज हमारी बेटियां घूमती हैं, चाहे कभी भी जाएं आएं, दुकान पे जाएं, अब कोई डरता नहीं, बच्चा कोई नहीं डरता। अब पहले डर लगता था, पहले शाम को दिन छिपने के बाद बाहर नहीं निकलते थे। ये तो बहुत कृपा है ऊपर वाले की भी और माने योगी जी और मोदी जी की, जो आज सब लोग खुश हैं।
तो ये थे अमरोहा लोकसभा के निवर्तमान सांसद, जिन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में अब भय का माहौल नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर निवेशक भी उत्तर प्रदेश में दोबारा से लौट रहे हैं। जो बंद फैक्ट्रियाँ थी वो चालू हो रही हैं और लोगों को डर खत्म हो गया है। विनीत अग्रवाल, प्राइम टीवी, अमरोहा। फरीदाबाद के सूरज कुंड में लगे 36वें अंतर्राष्ट्रीय मेले में एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि अलग अलग राज्यों और देशों से आए हस्तशिल्प कलाकार एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी ही एक हस्तशिल्प कलाकार हैं जो नॉर्थ ईस्ट के मेघालय से आई हैं। बता दें कि यह कलाकार उन वस्तुओं का इस्तेमाल करती हैं जिन्हें लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि यह फेंक देने वाली वस्तुओं से सुंदर फूल और पौधे बनाती हैं, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, यह कलाकार अपने इस हुनर से 60 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ऐसी चीजें बहुत अच्छी मिल रही हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की जो यहाँ पे चीजें हैं काफी अच्छी और चीप एंड बेस्ट प्राइस इसमें। ये स्टिक हैं, बहुत अच्छी हैं, यही मिलती हैं, बाहर कम मिलती हैं। वैसे भी इस मेले में जो चीज़ मिलती है बाहर मिलती नहीं है। अच्छा। इसलिए हम हर साल 2-3 चक्कर लगाते हैं ताकि यहाँ से अच्छी अच्छी वैरायटी यहाँ से ले जाके बेडशीट वगैरह हैं और बहुत आइटम है। यहाँ जो कपड़ा मिलता है वो बाहर नहीं मिलता है। गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे में एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अपने क्लिनिक पर मरीज देख रहे थे, इस दौरान अचानक एक अज्ञात युवक ने आकर डॉक्टर पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर को 2 गोलियां मारी गई हैं, जिसके बाद आसपास के लोग डॉक्टर को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर डीसीपी और एसीपी पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। दिन दहाड़े डॉक्टर पर गोली मारने का मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टर की मौत हो गई है। वहीं हमलावर मौके से फरार हो गए। बता दें, घटना के बाद आसपास के लोग डॉक्टर को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर डीसीपी और एसीपी पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा हमसे जुड़ेंगे। प्रवीण, डॉक्टर को दिन दहाड़े उनकी ही क्लिनिक पर गोलियां मारी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मयूरी, आपको बता दूं, लगभग ये रात तकरीबन 10:30 बजे का पूरा मामला है, जहां पर कि मोदी नगर में जिस तरह से एक डॉक्टर अपना एक क्लिनिक चला रहा था घर के अंदर, तो कहीं ना कहीं वहां पर कुछ बाइक सवार बदमाश आते हैं और जो कि डॉक्टर को लगातार गोलियों से वार करते हैं, गोलियां उसके ऊपर चलाई जाती हैं, जिसके बाद जब लोगों को वहां पता चलता है उसके बाद वो बदमाश जो है वहां से मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि जब डॉक्टर को अस्पताल के लिए ले जाया गया तो कहीं ना कहीं उसकी अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब गाजियाबाद में बदमाशों का जो कहर है कहीं ना कहीं ज्यादा चढ़ चढ़कर बोल रहा है। कहीं ना कहीं कहीं भी आते हैं, किसी को भी मार के और किस तरह से चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सबसे बड़ा मामला है गाजियाबाद के अंदर में, हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ लगातार बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान भी चला रही है, लगातार उन पर कार्रवाई भी हो रही है। हालांकि जिस तरह से पुलिस मुठभेड़ में भी बदमाश मारे जाते हैं और कई बदमाश ऐसे हैं जो जेल में जाकर सरेंडर करते हैं अपने आप को थाने में, तो कहीं ना कहीं जो ये मामला सामने निकल कर आया है, डॉक्टर को जिस तरह से गोली मारी गई, हमलावर प्रवीण, जिस तरह से बदमाशों द्वारा डॉक्टर को मारा गया, क्या कुछ वजह सामने आई है जिस तरह से गोलियां बरसाई गई? देखिए, मौके पर जो डीसीपी ग्रामीण है रवि कुमार जी मौके पर पहुंचे थे, मामले की पूरी जांच की जा रही है। हालांकि वहां मौके पर जो सीसीटीवी लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, लेकिन जो परिजन है उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो एक बदमाश था जो जिस तरह से उसकी पुरानी कोई रंजित थी, हालांकि अभी पुलिस इसमें कोई पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन परिवारों का आरोप है कि कोई बदमाश है जिनसे उनकी कोई पुरानी रंजित थी, जिसको लेकर वो बदमाश वहां पर आए। लगभग 2 बदमाश बाइक पर सवार थे, ये जो पीड़ित का खुद का कहना है। कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है और हालांकि कई टीमें भी गठित कर दी गई है इन बदमाशों को पकड़ने के लिए। हालांकि एसओजी टीम और जो सर्विलांस की मदद से जिस तरह से बदमाश को तलाश की जा रही है, हालांकि जल्द से जल्द पुलिस इसका खुलासा भी करेगी। जी मयूरी जी, धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। हरदोई में चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बाइक चेकिंग के दौरान अपराधियों को पकड़ा गया था, तो वहीं एक आरोपी के दाहिने पैर पर पुलिस की गोली लगी है। पकड़ा गया आरोपी कानपुर नगर का निवासी बताया जा रहा है। आवास विकास कॉलोनी में शहर में
एक चेन छीनने की घटना हुई थी जिसके लिए पुलिस टीम को लगाया गया था अपराधियों को पकड़ने के लिए। उसी क्रम में सीसीटीवी फुटेज इत्यादि से एक अपराधी आज शाम को पकड़ में आया था, जिसका नाम रोहित जो कि कानपुर देहात करने वाला है वो था। उससे पूछताछ उसने बताया कि उसने जो है इसी दूसरे अभियुक्त के साथ मिलकर के कानपुर लखनऊ उन्नाव और हरदोई में भी घटना की है। दूसरा साथी आज उससे मिलने आने वाला है यहाँ पर, और जो चेन लूटी गई थी उसको मतलब कहीं छुपा दिया था, उसको लेने के लिए आ रहा है। इसी सूचना पर पुलिस लगी हुई थी, सूचना थी मिल कॉलोनी के बारे में, जहाँ पर कि दूसरा अभियुक्त जिसका नाम अकील कानपुर नगर का है वो, उससे पुलिस की मुठभेड़ हो गई, उसने पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने हिपक अमली से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में पुलिस ने सोलंकी और उनके गैंग के अन्य लोगों की अवैध संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि सोलंकी गैंग के शौकत की कंपनी ने 3 महीने में 11 करोड़ की जमीन का सौदा किया था, तो वहीं अब ग्वालटोली क्षेत्र में स्थित 5 फ्लैट भी सील किए गए हैं, जिसके चलते 2 दिन के अंदर 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। रायबरेली में पुलिस की लचर कार्यशैली के चलते बेखौफ दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ताजा मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां युवक ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी पर बंदूक तान दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, तो वहीं सूचना देने वाले पीड़ित को ही पुलिस ने पकड़ लिया, तो वहीं पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, बबरी अपने आप चाची, बबरी अपने आप पैदा हुई है, रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया है। बता दें कि सूबे की योगी सरकार ने भले ही 3 तलाक को लेकर कानून पारित किया हो, फिर भी 3 तलाक देकर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। ताजा मामला जिले के सलोन थाना क्षेत्र स्थित मीरजहांपुर से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक युवक ने गांव की ही एक युवती से शादी करने के 11 साल बाद फोन से उसे तलाक दे दिया, जिससे आहत होकर पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मेरी शादी एक मीरजहांपुर गांव में हुई है। मेरी शादी को 11 साल हो गए। मेरी संतान ना होने के कारण मेरे घर वालों ने मुझ पर बहुत अत्याचार करा था। मेरे से बार बार पैसा मंगवाया जाता था। एक बार पैसा मंगवाने के लिए मना कर दी गई, तो उसके वजह से मेरे आदमी ने मुझे तलाक दे दिया। और तलाक देने के कारण सऊद अहमद ने ये भी बोला है कि मेरे ऊपर इतने केस चल रहे हैं, एक केस और सही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे को सलवन थाना से मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुदकुशी कर सकती हूँ, उसके जिम्मेदार सलवन थाना होगा। संबल के गांव में जलभराव और गंदगी से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, तो वहीं असमोली ब्लॉक के ग्राम शाहपुर डसर में सफाई ना होने और जलभराव से ग्रामीणों में कई तरह की बीमारियां होने का डर बना हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों में रोष है कि गाँव में कोई भी साफ सफाई के लिए नहीं आता है, और प्रधान से भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन प्रधान ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस